Hi everyone, welcome to my channel Ready Steady Mom. So as I promised you in my last video that I'll be doing a shopping haul for you guys. So here I am with my haul video. I hope you enjoy it. I'm really excited to show you the things I bought and purchased. I hope you enjoy this video. Further waiting ado, let's start. So before starting the haul, it's a request, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and don't forget to hit onto the like button. Your likes makes my day. Thank you so much. So do comment down below if you like it. तो start करते हैं अपना shopping haul. और आप ये सारे सामान को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा shopping की है. लेकिन trust me, मैंने सिर्फ वही चीज़ें shop करी जिनकी मुझे ज़रूरत थी. तो पहला जो ब्रांड जिससे मैंने शॉप किया वो है Abercrombie. ये ब्रांड मेरे को बहुत पसंद है और इससे मैंने अपने लिए ये एक टॉप ख़रीदा है. ये ऑफ शोल्डर टॉप है जो आजकल बहुत इन है और ट्रेंडी भी, और ये फुल स्लीव्स में है, गर्म भी है, ये तो विंटर्स के लिए बहुत प्यारा मुझे लगा. और ये ब्लैक कलर है, ब्लैक मेरा फेवरेट है कलर, तो मैंने ये लिया. वैसे ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था पहनने में. और साथ में मैंने लिया ये एक जीन्स. तो मुझे जीन्स बहुत पहले से लेनी थी क्योंकि जो जितनी भी जीन्स मेरे पास अभी हैं, पैंट्स ट्राउज़र्स, वो थोड़ी फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी, तो मैंने ये ली है. बट ये लेंथ में थोड़ी ज़्यादा है लंबी, तो मेरे को इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा. और इस पर पैटर्न्स भी बने हुए हैं तो मुझे अच्छी लगी. एक डार्क वॉश में है ये जीन्स और मुझे डार्क वॉश जीन्स बहुत पसंद है. और इसके जो नीज़ पे ये जो पैटर्न आ रहा है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ट्रेंड में है इस टाइम में. एंड दिस इज़ अ हाई राइज जीन्स, तो ये मेरी फर्स्ट हाई राइज जीन्स होगी. मेरे पास मोस्टली लो राइज जीन्स हैं एंड इट इज़ सुपर स्किनी. और ये $94 में थी लेकिन मुझे 50% ऑफ पे मिली, तो मेरे लिए इट वॉज़ अ विन विन सिचुएशन. And here you can see me modeling. मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया. एंड ही वॉज लाइक कि तुम तो मॉडलिंग स्टार्ट करोगी. एंड आई ट्रबल्ड हिम अ लॉट एंड प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मेरा मजाक बना चुके हैं. मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब कर रही थी तो थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देख कर कोशिश करी ऐसा करने की. तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने शॉप की वो है विक्टोरिया सीक्रेट से ये पीजे सेट. मेरे को अपने लिए एक पीजे सेट लेना ही था. और ये मैंने रेड कलर का, इसमें एक टी शर्ट है और जो इसका पजामा है वो ब्लैक कलर में है. आप देख सकते हैं इस पर इतने क्यूट डॉल्फिन्स बने हुए हैं, मुझे बहुत पसंद था. इनफैक्ट मुझे अभी और भी लेने हैं पीजेस क्योंकि मैं हर साल, मतलब मैं चेंज कर देती हूँ. एक सेट मेरा, मतलब एक ही साल चलता है क्योंकि पीजेस आप घर में ज़्यादा पहनते हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं. और दूसरा रीज़न जो मेरा लेने का था वो था क्योंकि इसके साथ में ये स्लिपर्स जो है फ्री मिल रहे थे, जिनका एक्चुअल कॉस्ट आई थिंक $32-33 था. और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे और ये वॉर्म भी हैं, विंटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं. और इनमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे लेकिन मैंने रेड लिया क्योंकि रेड कलर के स्लिपर्स मेरे पास नहीं हैं, वो मैच भी कर रहे थे. नेक्स्ट जो चीज़ ली है वो है ये हैंडबैग, और ये लेदर में है और ये क्रुएल्टी फ्री है, तो प्लीज़ उसमें ये कोई एनिमल लेदर नहीं है. बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था. ये बैग मैंने जो लिया है वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास में एक शॉप है जहाँ पे हर साल अभी नवंबर दिसंबर में सेल लगती है और बहुत अच्छी सेल लगती है. ये बैग $160 का था, अराउंड 160 या फिर आई थिंक उससे भी ज़्यादा, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे ये सिर्फ $30 में मिल गया. और आप सबको पता ही होगा कि मुझे बैग्स का बहुत शौक है, तो मैंने ये ले लिया. और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही इसमें स्पेस है और पॉकेट्स भी हैं साइड में भी. एंड इट इज़ मेड इन मोरक्को जैसा कि उस पर लिखा हुआ है. एंड क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, तो मैंने ले लिया ये बैग. प्लस इसका कलर भी डिफरेंट है, मेरे पास इस कलर में कोई बैग अभी था भी नहीं. ये
आई थिंक चेरी कलर में है ये. एक्चुअली ये कैमरे पे इसका एक्चुअल कलर नहीं आ पा रहा है, तो इट इज़ समवॉट चेरी कलर. इसके स्ट्रैप्स भी काफ़ी थिक हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है. मतलब अगर आपके सामान को आप इजीली कैरी कर सकते हो, अदरवाइज शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है. और ये आप इसका बेस देखोगे तो इस पर ये स्टड्स लगे हुए हैं, जिससे कि इन केस अगर आप बैग को नीचे भी रखते हो तो उसका बेस ख़राब नहीं होगा. एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा आई थिंक कम्फर्टेबल रहेगा. और इसका जो फिनिशिंग थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे. मतलब फर्स्ट लुक में ही मुझे ये पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया. तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने खरीदी वो थी मैक स्टोर से ये आईलाइनर. इट इज़ अ प्रो लॉन्ग वेयर आईलाइनर. और ये लाइनर मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि इसे आप वाटर लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो मेरे को काजल लगाना बहुत पसंद है, तो ये एज अ काजल वर्क करता है. और इसका जो शेड है, इट इज़ द ब्लैकेस्ट शेड, डिफाइनली ब्लैक. तो ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक है और मुझे डार्क ब्लैक काजल बहुत पसंद है. तो ये आईलाइनर है, ये वाटर प्रूफ भी है. आप इसका टिप देख सकते हैं कि ये कितना शार्प है. और बस इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, क्योंकि मुझे बार बार इसे शार्पनर से इसे छीलना पड़ता है और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ. और मैं साथ में लाई हूँ ये अवीनो का मॉइस्चराइज़र. ये एक मैं ड्रग स्टोर से लेकर आई हूँ, और ये मैं आई थिंक ये मेरा सेकेंड पॉट है. तो मुझे किसी ने मेरे को बताया था यूज़ करने के लिए, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल. मेरी स्किन ऑयली है, तो पहले मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती थी, बट देन मेरे को डॉक्टर्स ने भी बोला कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कैनेडा, जहाँ पे विंटर्स में तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है. और ये नाइट क्रीम है और इसमें विटामिन ए सी एंड ई भी है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. और मेरे को काफ़ी चेंजेस लगे इसे यूज़ करने के बाद, तो मैं इसे ले आई. और प्लीज़ आप कोई मुझे अंडर आई क्रीम के बारे में ज़रूर बताइए. आपको अगर आपको कोई अच्छी अंडर आई क्रीम पता है, मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं करी है, बट मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि मेरी आईज़ के आसपास थोड़े फाइन लाइंस मुझे दिख रहे हैं. तो प्लीज़ कोई अच्छी सी सजेस्ट कीजिएगा मुझे कमेंट में नीचे. एंड जो आगे की शॉपिंग मैंने क्लेरी स्टोर से करी, एंड येस आई गॉट आईफोन केस. तो मुझे लेना था ये केस, क्योंकि मेरे पास जो प्रेजेंटली एक गोल्डन कलर का आईफोन का कवर है, जो काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी, मैं बोर हो गई थी, तो मैंने ये फ्लोरल प्रिंट में लिया है. और इसमें ये बहुत अच्छे ये जेम्स भी लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने वहाँ से ख़रीद लिया. आप प्लीज़ बताइएगा अगर आपको कैसा लगा है ये केस. एंड साथ में मैंने ये कीचेन भी ख़रीदी है, और इस पे लिखा हुआ है लेटर ए, जो कि मेरी डॉटर के का जो नेम का इनिशियल है, इसीलिए मैंने उसके नाम से मैंने ये कीचेन ख़रीदा. मुझे कीचेन कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे. इसे इसमें आप अपने कीज़ टांग सकते हो, इसे नहीं तो फिर हैंड बैग्स पे या और किसी बैग पे भी इसे टांग सकते हो बाहर, बहुत अच्छा लगेगा. अभी मैंने फिगर आउट नहीं किया है कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. और साथ में मैंने लिया है ये हेयर ब्रश, और ये हेयर ब्रश मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है. उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रश हैं, लेकिन मैंने उसके लिए इसलिए लिया क्योंकि इस पर एक यूनिकॉर्न बना हुआ है, एंड शी लव यूनिकॉर्न. अभी तक मैंने उसे दिखाया नहीं है, अदरवाइज़ तो बस वो खुश इतनी ज़्यादा हो जाएगी. अभी मैं उसे दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं. ये बहुत ही क्यूट लग रहा था. और साथ में मैंने ये एक मेकअप बैग भी लिया है. ये बैग मैंने अपनी बेटी के सारे जो हेयर एक्सेसरीज वगैरह जो होती हैं, और भी जो अलग ब्रश या और कोई आइटम्स हैं, वो इसमें रखने के लिए लिया है. इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, आप देख सकते हैं. और ये बहुत ही क्यूट था, ये गर्ल्स के लिए ही है स्पेशली.
तो मैंने सोचा कि इसमें मैं उसके सारे सामान को अच्छे से रख सकती हूँ। स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक ही बैग में आप इस तरीके से सारा सामान रख सकते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए मैंने लिया। आपको ये बैग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड आई गॉट दिस हैट फॉर हर, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स आ चुके हैं और मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी हैट ढूंढ रही थी आरवी के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगी और ये वॉर्म भी है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ईजीली आपके ईयर जो होते हैं, कान भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो अगर मैं नॉर्मल हेड जो मिलती हैं हेड पे लगाने वाली, वो बहुत इजीली निकल भी जाती हैं और उसमें कान भी कई बार कवर नहीं होते। और ये अंदर से आप देखेंगे इसमें फ्लीस है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड लुक एट इट, इतनी क्यूट भी लग रही है। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन जो है पिंक और ये बेबी ब्लू कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी से मैचिंग मैंने ये स्कार्फ लिया है। और ये स्कार्फ जो है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओपन स्कार्फ नहीं है, ये क्लोज्ड ओ शेप में है, तो ये इसे इजीली दो बार आप गले में अच्छे से डाल सकते हैं बच्चे के, तो उससे उनका थ्रोट और उनका चेस्ट कवर हो जाता है और वो इतनी इजीली निकलेगा, गिरेगा भी नहीं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्लस ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। और आगे की शॉपिंग मैंने इस गैप ब्रांड से करी, जिसका मैंने आपको स्टोर का व्यू मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए ये एक टी शर्ट लिया, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत अच्छा भी है, और ये ग्रे कलर में है, मुझे ग्रे कलर बहुत पसंद है, और इसमें ये पीची पिंक कलर की जो ये स्ट्राइप्स बनी हुई हैं बहुत क्यूट है, और ये बहुत ज़्यादा वॉर्म भी है। एंड इसकी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, जैसे साइड में गोल्डन बटन से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं। और क्वालिटी जो होती है कपड़े की, स्पेशली गैप के ब्रांड में मैंने देखा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन मुझे जो वहाँ पे एक डील चल रही थी कि आपके एंटायर शॉपिंग पे 40% ऑफ, तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिला। और साथ में मैंने ये मैचिंग मैंने लेगिंग्स भी लिए, ये भी वॉर्म लेगिंग्स हैं, तो मैंने टी शर्ट से मैच करने के लिए वहीं पे ख़रीद लिए थे। और इस पे स्टार्स बने हुए हैं सिल्वर कलर के, जो बहुत क्यूट हैं, और पीच कलर जो है बच्चों पे बहुत पसंद है मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये कलर। और ये लेगिंग्स भी बहुत वॉर्म है, तो लेगिंग्स तो आप कितनी भी ले लो वो कम पड़ जाती हैं बच्चों के लिए। और ये पेयर करके पहनने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये ड्रेस, आई एम श्योर आरवी पे। तो बस मैंने गैप से उतना ही लिया, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर मैंने H&M गई थी, और गेस व्हाट, मैंने H&M से अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करी। वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, और ये मैंने लेगिंग्स ली हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही हैं, एक डार्क ग्रे में है और एक लाइट ग्रे में, और दोनों पे पोल्का डॉट्स हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, जिस तरह के मेरी बेटी के पास टी शर्ट्स हैं, तो ये सबके साथ सारे टी शर्ट्स के साथ चल जाएंगी। और ये गर्म भी हैं ये लेगिंग्स, तो मैंने ये लेगिंग्स इसीलिए ख़रीदी। वही मैं बोल रही हूँ ना कि लेगिंग्स कितना भी ले लो वो कम पड़ती हैं, तो कि ऑलरेडी उसके पास ब्लैक और प्लेन में बहुत सारी लेगिंग्स हैं। एंड आई गॉट दिस ड्रेस, ये ड्रेस जो है ये नेवी ब्लू कलर में है, बट पता नहीं क्यों लाइटनिंग की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ब्लैक दिख रही है। और आप देखेंगे इसमें ये साइड में दो पॉकेट्स हैं, और इसमें ये प्लीट्स बने हुए हैं, और ये फुल स्लीव्स है, तो ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है। और ये कपड़ा भी थिक है, तो ये गर्म रहेगी, और ये ड्रेस इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी, और ये बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी। ये मैंने एक स्वेटशर्ट मैंने लिया है, ये नीज तक, घुटनों तक आता है, तो ये मतलब एक तरीके से नीज तक एक ड्रेस है ये, स्वेटशर्ट प्लस अ ड्रेस, तो इसके नीचे आप सीधे लेगिंग्स पहन लें, और ये बहुत ही वॉर्म है, और बच्चों के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। और ये भी पीची पिंक कलर है उसमें है, और इसका जो हुडी है उस पर आप देखेंगे ये कैट बनी हुई है, बहुत क्यूट। तो ये स्पेशली इतनी गर्म और इतनी सॉफ्ट था ये कपड़ा कि मेरे को लगा कि आरवी के पास ये होना चाहिए। और
ये कलर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, आई थिंक मैंने ज़्यादातर पीच कलर में ही सामान खरीदा है। आपको ये हुडी कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा। एंड लास्टली मैंने उसके लिए टाइट्स का एक पेयर ख़रीदा, इसमें दो टाइट्स हैं, एक सिल्वर कलर में है और दूसरी ब्लैक में है, और उसमें छोटे छोटे सिल्वर डॉट्स बने हुए हैं। और ये टाइट्स जो हैं ड्रेसेस के नीचे पहनने के बहुत काम आएंगी, और ये गर्म भी हैं, तो जैसे अभी मैंने उसके लिए ड्रेसेस भी लिए हैं, तो और घर में भी उसके पास और ड्रेस हैं तो उनके नीचे ये पहन सकती है, तो इससे लेग्स भी गर्म रहेंगे बच्चों के, तो इसीलिए मैंने ये ड्रेस खरीदी, ये टाइट्स खरीदे, आई एम सॉरी। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये लिपस्टिक है न्यूड स्टिक्स की। तो आप लोगों ने मुझसे लास्ट ब्लॉग में पूछा था कि जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी रेड कलर में वो मैकी थी क्या, तो नहीं वो मैकी नहीं, वो ये न्यूड स्टिक्स ब्रांड है उसकी थी, क्योंकि मुझे न्यूड स्टिक ब्रांड बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर लिपस्टिक उसी की लेती हूँ। और ये एक मैट लिपस्टिक है मेरे पास, और ये जो स्पेशली जो लिपस्टिक है वो इस तरह के बॉक्स में आती है जिसमें साइड में मिरर भी बना होता है, और ये है वो लिपस्टिक, और इसका शेड है रेवन, और ये शेड स्पेशली मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे गिफ्ट किया था क्योंकि उसे पता था कि मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है, स्पेशली ये वाला शेड। Hey guys, so this was all about my haul video. I hope you enjoyed it a lot. And if you do, then don't forget to hit onto the like button and do subscribe to my channel. It's really important. And don't forget to write your comments down in the comment section below because it's really important for me. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much. It really means a lot to me that you are liking my channel and supporting it in such a beautiful way. I never thought I'll be getting this many likes on my channel. Thank you so much, and I'll be seeing you soon in my next video. Bye guys, bye.